बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जैसे पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री से हट के एक लेक्चर दिया था, आज मैं फिर एक और लेक्चर कम्युनिटी सर्विस एज ए केमिस्ट के ऊपर इंशाल्लाह दूंगा। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं, डॉक्टर नासिर रसूल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पर वर्क कर हूं एज एसोसिएट प्रोफेसर और फील्ड ऑर्गेनिक स्पेशलिस्ट के अंदर ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो आज हम कम्युनिटी सर्विस एज ए केमिस्ट। सबसे पहले तो कम्युनिटी सर्विसेज क्या है, इसको हम सिंपल या उर्दू में इसकी ट्रांसलेट करें तो यह है समाजी खिदमात, ऐसी खिदमात जो अनपेड हों, जो के पेड ना हों, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो जो चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, एक तो यह है कि जो मैं या मेरे रिसर्च लैब्स जो काम कर रही है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए वो डिस्कस करेंगे, और दूसरा एज ए केमिस्ट, एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट हम कम्युनिटी सर्विस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, समाजी खदमात क्या अंजाम दे सकते हैं। तो साथ साथ दोनों चीज़ों को कंपेयर करता जाऊंगा, साथ साथ हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले एज ए केमिस्ट या एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट या केमिस्ट्री के फील्ड में अगर हम देखते हैं जो सबसे हॉट इशू है वो है इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या इन्वायरमेंट साइंस या इन्वायरमेंटल या माहौलियात के मतलब। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इशू है वो है ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर के मतलब हम देखते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम ड्रिंकिंग वाटर जो है स्पेशली इन पाकिस्तान जैसे एरिया में जो है ना वो डैमेज होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, इसके रिजर्वायर कम होते जा रहे हैं, और ड्रिंकिंग वाटर के ख़राब होने से या ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी ना होने से लॉट ऑफ डिजीज़ जो हैं वो कम्युनिटी के अंदर आ रही हैं। उसमें स्पेशली जो है हम देखते हैं हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर कैंसर जैसी जो है ना वो एक ख़तरनाक बीमारियां भी इससे जन्म ले रही हैं। तो एज ए केमिस्ट ही हमारा काम है, यह हम करना चाहिए कि हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करनी चाहिए या डायरेक्टली लोगों को या गवर्नमेंट लेवल तक लोगों को बताना चाहिए कि हमें ये ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमें साफ चाहिए, वो ड्रिंकिंग वाटर बिल्कुल जो है वो उसके TDS जो है वो कम से कम होने चाहिए, एटलीस्ट वो 150 या 200 के करीब होने चाहिए, वो 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए, इसके अलावा उसके अंदर आर्सेनिक नहीं होना चाहिए, वो बैक्टीरिया फ्री होने चाहिए, वो हैवी मेटल्स फ्री होने चाहिए। ठीक है, ये अवेयरनेस लोगों के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हम, लोगों को बता सकते हैं हम। और ये तो अर्बन एरिया है, इसी तरह जो हमारे विलेजेस एरिया उनके अंदर इससे भी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर के मतलब हम बात कर रहे थे, ये ड्रिंकिंग वाटर के जो इशू है ये बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन देहात में तो बहुत ज़्यादा है, ड्रिंकिंग वाटर ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हमने एज ए केमिस्ट कम्युनिटी के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है कि हमें ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हमारा बेटर होना चाहिए, उसके TDS ठीक होने चाहिए, उसके बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए, आर्सेनिक फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम एज ए कम्युनिटी के अंदर एज ए केमिस्ट लोगों के वो बता सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं इसके ऊपर, स्टूडेंट को अवेयर कर सकते हैं, स्पेशली लोगों को जाके हम बता सकते हैं कि आप ऐसे पानी को यूज़ नहीं करें ड्रिंकिंग के तौर पर जिसके अंदर आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर हैवी मेटल बहुत ज़्यादा है और जिसके अंदर TDS बहुत ज़्यादा है, वरना आपकी हेल्थ का इशू बन सकता है। बहुत ज़्यादा हेल्थ के इशू इसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं, स्पेशली आप देखते हैं कि फैसलाबाद जैसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट है, उसके रीज़न ये है कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर ठीक नहीं था, लोगों ने उसको वैसे ही यूज़ किया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा केसेज जो है ना हेपेटाइटिस के जो है ना वो स्पेशली हेपेटाइटिस सी के आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी भी गवर्नमेंट लेवल पे साफ पानी कंपनीज बनी, बहुत सारा काम जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन एज ए केमिस्ट हमारा भी काम है कि हम भी लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि वो ड्रिंकिंग वाटर को बेहतर करें, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो हर पानी को वो ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर टैप वाटर को ऐसे ड्रिंकिंग वाटर को यूज़ नहीं करें। इवन के वो जो जानवरों को पानी पिलाते हैं, एनिमल को पानी पिलाते हैं, गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं, वो भी साफ होना चाहिए ताकि उनकी दूध और गोश्त की पैदावार भी बेहतर हो, ना कि हम उनको गंदा पानी पिलाएं और वो भी किसी बीमारी के अंदर मुबतला हों और जो किसानों का है या वो जो फार्मर उसका नुकसान हो। इसके ऊपर भी अवेयरनेस जो है ना वो हम पैदा कर सकते हैं,
हम उनको साइंटिफिक वे पे बता सकते हैं कि ये टीडीएस क्या काम गड़बड़ कर सकता है, अगर टीडीएस बहुत ज्यादा हो तो साल भी पानी होगा, ये आपको किडनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको डायरिया कर सकता है और प्रॉब्लम कर सकता है। इसी तरह अगर उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो आपको डायरिया कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसी तरह अगर उसके अंदर आर्सेनिक है, ये एक खौफनाक चीज है जो आमतौर पर पंजाब हमारे स्पेशली बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो जो म्यूनिसिपल के ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं वहां पे ये प्रॉब्लम है, ये हम लोगों को बता सकते हैं। एज ए केमिस्ट हम उनको ये अवेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम लोग उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ काम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ये स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं और प्रोफेशनल भी ये काम कर सकते हैं। ये होगा क्या, समाजी खदमत होगी लोगों को, अनपेड खदमत है, अनपेड है, कोई हम इसका ये नहीं है कि हम ये लोगों को बता के पैसे ले रहे हैं, बल्कि ये बताने से लाइफ या कम्युनिटी जो है वो बेटर की तरफ जाएगी, सोसाइटी बेटर की तरफ जाएगी। इसके अलावा वेस्ट वाटर सबसे प्रॉब्लम जो आजकल जो सबसे इससे भी सीवियर प्रॉब्लम जो है, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर धड़ाधड़ जो है वो नहरों में, नहरों से नहरों के अंदर है, नहरों से दरियाओं में जा रहा है, दरियाओं से वही पानी आके समंदर में जा रहा है। तो अभी भी आप देखते हैं तो बड़ी परेशानी के हालात हैं कि दरियाए रावी लाहौर से चल कर खानेवाल तक जाता है तो सारे का सारे गंदा पानी, इसके अंदर कोई भी फिश नहीं है, कोई भी ऐसा जो कुछ जानवर उसके अंदर बचे ही हुए नहीं है। उसकी वजह यह कि सारा इंडस्ट्री का गंदा पानी उसके अंदर शामिल किया जा रहा है। उसके मतलब भी हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्री है वो अपने वेस्ट वाटर प्लांट लगाए, उसको प्योरीफाई करके दरिया नहरों के अंदर उस सीवरेज के पानी को या वेस्ट वाटर को शामिल करे, क्योंकि उसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, उसके अंदर डाइज होती हैं, उसके अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो जमीन के अंदर जा रहे हैं, वही प्लांट इनटेक कर रहे हैं और इसी प्लांट को हम खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है। उसके अंदर सबसे ज्यादा इससे प्रॉब्लम जो होता है वो कैंसर टाइप के, कैंसर जैसे मुजीमर इसके अंदर जो है ना वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वेस्ट वाटर का जो है ना, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना वो फोकस भी करना चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस के को भी हम को अवेयर करना चाहिए। एज ए केमिस्ट गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी हमें उनके साथ भी हमें जो है ना वो रबते में आना चाहिए और उनको बताना चाहिए, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम जो है वेस्ट वाटर का ये बड़ा सीवियर है, इसको सॉल्व होना चाहिए। अगर ये सॉल्व होता है तो कम्युनिटी से तो जो है ना सोसाइटी है या कम्युनिटी है वो बेटर, उनकी हेल्थ होगी, लोगों की जो है ना वो कंडीशन हेल्थ कंडीशन बेहतर होंगी, वरना हमारा फ्यूचर जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो दबाव हो जाएगा। अगर यही चीज़ें इन्वायरमेंट में फैलती गई, इसी तरह यही वेस्ट वाटर चलता गया तो सारी ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, एग्रीकल्चर हमारा सारा के सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोसिस्टम जो है दरियाओं नहरों का जो जानवरों के साथ लिंक है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है, बल्कि हो चुका है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम एज ए केमिस्ट हैं, क्योंकि केमिकल्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ें, तो हम इन लोगों को बता सकते हैं और कर भी सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस में एज ए केमिस्ट हम मेडिसिन या ड्रग्स, ये भी एक हॉट इशू है, इसके बारे में दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो है मेडिसिन एज ए मेडिकेशन, ठीक है, एक है मेडिसिन एज ए एडिक्टिव सब्सटेंस, दो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मेडिकेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको बुखार है, एस्पिरिन ले ली है, पैरासीटामोल ले ली है, ठीक है, कोई एनाल्जेसिक्स ले ली है, एंटीबायोटिक्स है, अगर आपको डायरिया है, आपको कोई ऐसी एंटीबैक्टीरियल डिजीज है, एंटीवायरल डिजीज है, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये और इसको कैसे है, इसको ये है कि जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये भी एक कम्युनिटी सर्विस है कि वो ऐसी मेडिसिन इन्वेंशन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे मालिकूल की सिंथेसिस करते हैं जो माइट बी पॉसिबल फ्यूचर में किसी भी ड्रग के अंदर या मेडिसिन के तौर पर यूज किया जा सकता है। ये भी एक कम्युनिटी सर्विस है केमिस्ट की कि वो ड्रग्स की सिंथेसिस करता है, ड्रग्स को आइसोलेट करता है प्लांट्स के अंदर से, या प्लांट बेस्ड मेडिसिन को डिस्कवर करता है, जिसको हम यूनानी भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर याद रखिए कि दुनिया की कोई भी मेडिसिन जो होती है वो आइसोलेट की जा सकती है, वो आइसोलेट होती है प्लांट से, मरीन एनिमल से, मरीन प्लांट से, मरीन एनिमल से, आम प्लांट्स के अंदर से। बहुत बहुत बड़ी एंटीबायोटिक्स जो है वो प्लांट बेस्ड हैं, वो प्लांट से आइसोलेट की गई हैं। और आप अगर हम देखते हैं तो पेंसिलिन जो है ये भी एक आइसोलेटेड है, ये इसके बाद इसकी सिंथेसिस की गई है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने इसको आई थिंक माइट बी पॉसिबल रखा है, लेकिन इसकी इन्वेंशन की थी, और नोबेल
प्राइज विन किया था, उसने अपनी तमाम जो उससे मिलने वाली रकम थी वो सारी की सारी डोनेट कर दी थी, उसने कोई रकम उससे नहीं ली थी, कोई उसके पैसे नहीं लिए थे। ये कम्युनिटी सर्विस की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है फॉर मेडिसिन के अंदर। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जैसे नोबेल जो था साइंटिस्ट था, उसने खुद बहुत बड़ा कारनामा किया यही कि अपनी तमाम जो रकम थी वो ऐसे लोगों के अंदर की एक जो साइंस में या लिटरेचर में कोई काम करेंगे उनकी उस जैसी कम्युनिटी को उसमें जो है ना वो नेट की है और अभी तक वो काम चल रहा है। अच्छा, दूसरा पहलू जो है वो है अडक्टिव सब्सटेंस। ये एज ए केमिस्ट हमने लोगों को बताना है, समझाना है कि ये एक खौफनाक चीज है। फॉर एग्जांपल आप कैफीन्स ले रहे हैं, आप निकोटीन ले रहे हैं, आप अल्कोहल्स ले रहे हैं, और हीरोइंस है जिस चीज़ें है उसको हम कहेंगे कि मॉर्फिन्स की असाइलेशन करने के बाद मॉर्फ जो है ना वो हीरोइन बनती है। इसके अलावा और बहुत सारे इस किस्म के ड्रग्स हैं, चर्स है, और बहुत सारे ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक मैटर है, मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन अगर इनकी क्वांटिटी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या इसकी हैबिट हो गई तो ये अडक्शन हो जाएगी, ये अडक्टिव सब्सटेंस हो जाएंगे। फिर आपको ये एक आप इसके अडक्टिव हो जाएंगे, फिर आपसे ये जान नहीं छूटेगी। निकोटीन्स है, आप सिगरेट पीते हैं, निकोटीन्स है, कैफीन्स है, कैफीन भी जो है वो अडक्टिव सब्सटेंस के अंदर आती है, ठीक है। तो इससे भी लोगों को अवेयर करना है कि ये आपकी हेल्थ के लिए किसी भी सूरत बेहतर नहीं है, ठीक है। आज भी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बहुत सारे ऐसे माफिया होते हैं जो स्टूडेंट्स को ऐसे जो है ना वो इन ड्रग्स के ऊपर जो है ना वो करते हैं, और जिससे वो अपनी पूरी लाइफ को जो है ना वो डिस्टर्ब कर लेते हैं, पूरी फैमिलीज को डिस्टर्ब कर लेते हैं, पूरी कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो हमने उस कम्युनिटी की सर्विस कैसे करनी है कि हमने उनको ये अवेयरनेस देनी है। हम अवेयरनेस एज ए ग्रुप बना सकते हैं, स्टूडेंट का ग्रुप बना सकते हैं, केमिस्ट का ग्रुप बना सकते हैं, वो केमिस्ट का ग्रुप उनको अवेयर कर सकता है, बता सकता है कि भाई आप ये चीज़ें नहीं करें, अगर आप ये चीज़ें करेंगे, बहुत ज़्यादा सिगरेट आप पियेंगे, बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल को यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा आप ऐसी ड्रग्स लेंगे, तो वो आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक हो ही नहीं सकती, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है वो है टीचिंग के हवाले से। एज ए केमिस्ट हमारी टीचिंग जो है इस, ये बहुत बड़ा जो है ना कम्युनिटी सर्विस हम इससे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी सर्विसेज जो है समाजी खदमात हम अंजाम दे सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल मैं, हम अपनी ही बात करते हैं, यूनिवर्सिटी में हैं अगर, तो हम उनको बैचलर्स लेवल पे हम उनको इस तरह टीच करें केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअली इज द रिलेशनशिप विद ए लाइफ, आपके लाइफ के साथ है। अगर हम देखते हैं पूरी की पूरी लाइफ केमिस्ट्री के से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स है, सारे आपके पॉलीमर्स हैं, आपकी मेडिसिन है, एनवायरमेंट है, ये सारा का सारा केमिस्ट्री के साथ कोरिलेट है। तो हमने स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनको इसके बारे में अवेयरनेस देना है कि आप ये जो सब्जेक्ट है ये कम्युनिटी की सर्विस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उनको इसकी बेटर ट्रेनिंग देंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, सब्जेक्ट के ऊपर उनका होल्ड होगा, तो वो डेफिनेटली जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो बेटर काम करेंगे। अगर वो किसी स्कूल में जाते हैं तो वो स्कूल में डेफिनेटली छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको उनको सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है उसमें वो छोटी वो चीज़ें जो हैं कि केमिस्ट्री का हमारी लाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे केमिस्ट्री लाइफ को बेटर कर सकती है, वो उनको बताएंगे। वो आगे जाके नेक्स्ट जो है वो आगे जब प्रोफेशनल लाइफ में वो बच्चे जाएंगे तो वो मजीद अवेयरनेस होगी। तो ये भी कम्युनिटी की एक सर्विस है, ये भी एक समाजी खदमत है कि हम अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्टूडेंट को केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाएं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जाम्पल इसमें कोट करता हूँ, हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो वो डेफिनेटली सारी लाइफ के गिर्द घूम रही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गिर्द घूम रही है। तो उनको बताते हैं कि जो लाइफ का इन्वेंशन हुई है या लाइफ है वो सारी की सारी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर बेस कर रही है। और आप ये देखते हैं कि प्लांट जितने हैं ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो भी सारे उसी से सारा जो है ना उसका लाइफ साइकिल चल रहा है, और ह्यूमन बॉडीज का भी इसी से लाइफ साइकिल जो है ना वो चल रहा है। इसी तरह हम फूड केमिस्ट्री के बारे में उनको अवेयर करते हैं, बताते हैं, ठीक है। और बताना भी चाहिए कि फूड केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें हैं, ये फूड जो है
वो कौन सी बेटर फूड है जो आपकी लाइफ के लिए ज्यादा बेटर है और कौन सी चीज है वो बेटर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है वो कैसे बेटर है, प्रोटीन्स है तो कैसे है, और बहुत सारे फूड्स हैं, और ये प्लांट बेस्ड जो आप फूड ले रहे हैं वो क्या बेनिफिट कर रही है और क्या उसके बेनिफिट नहीं है जो आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर फूड केमिस्ट्री की चीजें उनको आपने बताई होंगी तो डेफिनेटली वो आगे जाके फर्दर जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे लोगों को बताएंगे तो ये भी एक किस्म की जो है ना वो कम्युनिटी सर्विस से आके उनको पता चलेगा कि ये फूड केमिस्ट्री क्या है और कैसे हम हेल्दी फूड की तरफ जा सकते हैं जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है, हमारी फैमिली की लाइफ, हमारे फ्रेंड्स की लाइफ, हमारी सोसाइटी के लोगों की लाइफ जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। ये भी एक गुड कम्युनिटी सर्विस है एज ए फूड साइंटिस्ट या फूड केमिस्ट्री के तौर पर। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम उन्हीं को फॉर एग्जांपल बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, अमाइनो एसिड्स कैसे काम करते हैं, प्रोटीन्स कैसे काम कर रही है, लिपिड्स कैसे काम कर रहे हैं, ये बॉडीज के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, तो इसकी अवेयरनेस अगर हम देते हैं तो वही स्टूडेंट आगे इन चीजों को अवेयर होके प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को बताएगा, वही चीजों को बताएगा तो वो उनके लिए बहुत बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी बच्चा, कोई कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जब मेडिकल साइंसेस में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, स्पेशली मेडिकल साइंस में जाता है, तो बायोकेमिस्ट्री उसको जरूर उसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। जब वो पढ़ाया जाता है तो वही डॉक्टर जो होता है जब वो फील्ड में एज ए सर्विसेज कर रहा होता है, जब वो फील्ड में एज ए मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा होता है, उन चीजों को वो गौर से देखता है। तो ये भी एक अनपेड, ठीक है कि वो टीचर है या है वो पेड, लेकिन ये अनपेड है कि उसको हम वो अवेयर हो जाता है उन चीजों के बारे में, तो वो एज ए मेडिकल के तौर पर उन चीजों को जानता होता है कि ये वाली फूड्स है या ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन्स है, ये पेशेंट को हमने देना है। तो ये भी एक किस्म की वेलफेयर है उस सोसाइटी के लिए, ये भी कम्युनिटी सर्विस है उस सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हमारे पास ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, अब रिसर्च का कम्युनिटी तो क्या फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। अगर हम यूरोप की तरफ देखते हैं, यूएसए की तरफ देखते हैं और रिसेंटली अब चाइना की डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं तो सारी की सारी ये साइंस बेस पे खड़ी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे खड़ी है। अगर उनकी कम्युनिटी सर्विसेज है, अगर वो समाजी खदमात अंजाम दे रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उसमें स्पेशली केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो जाते हैं, न्यू ड्रग्स की को वो सिंथेसिस करते हैं, न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी करते हैं और वो डायरेक्टली आपकी कम्युनिटी सर्विस के साथ कोरिलेट करता है। इसी तरह वो न्यू मटेरियल्स बना रहे हैं, वो न्यू मटेरियल्स मुख्तलिफ जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है। आप उसके अलावा पॉलीमर्स वो सिंथेसिस कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री चल रही है, वही आप पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, वो पेट्रोकेमिकल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें मिल रही है जिससे पूरी लाइफ जो है ना वो चल रही है, जिससे गाड़ियां चल रही हैं, जिसके से हमारे सड़कों के ऊपर तार को जो पड़ी वो हो रही है, इसके अलावा हमारे कपड़े जो हैं, इसके अलावा छोटे मोनोमर्स हैं जिससे बहुत सारे पॉलीमर्स बनते हैं, वो पॉलीमर मेडिसिन में यूज हो रहा है, प्लास्टिक्स के लिए बर्तनों में यूज हो रहा है और बहुत जगह पे यूज हो रहा है। ये भी एक कम्युनिटी सर्विसेज है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम उनको बताते हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे और वो काम जो है वो सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा और कम्युनिटी सर्विसेज के तौर पर वो जाना जाएगा। और इसी तरह यही लोग जो है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो फोरेंसिक साइंसिस में चले जाते हैं तो फोरेंसिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे क्राइम्स होते हैं, क्राइम को जानने के लिए आज का फोरेंसिक साइंस का या फोरेंसिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे आप केसेस देखते हैं जहाँ पे वो एविडेंस गायब होते हैं, लेकिन फोरेंसिक साइंस से फोरेंसिक केमिस्ट्री से वो एविडेंस जो होते हैं वो हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं और क्राइम को रोकने की रोक सकते हैं, इससे वो क्राइम करने वाले तक जो है ना वो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे अदारे हैं, वो इजीली उस तक अप्रोच कर सकते हैं, उसको को कैच किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है उन लोगों को। तो ये भी एक कम्युनिटी की सर्विसेज है जहाँ पे पहले ये एविडेंस गायब हो जाते थे, नई लोग पकड़े जाते थे, क्राइम होते थे, लेकिन अब क्राइम जो है वो साइंटिफिक वे पे होकर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए थ्रू फोरेंसिक साइंस, तो बहुत जल्दी अचीवमेंट होती है और जल्दी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो अप्रोच करके तो जो राइट वे में
जो है ना जिसने क्राइम किया हो तो उस तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नासा के अंदर बहुत बड़ा काम जो है ना जो स्पेस पे हो रहा है, इसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। अभी हमने अभी ये रिसेंटली देखा कि मरीज के ऊपर जा रहे हैं, वहां से वो मुख्तलिफ सैंपल्स लेते हैं, चीजें लेते हैं, वहां कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है, क्या प्लाज्मा ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये भी इन फ्यूचर कम्युनिटी सर्विसेज है कि फ्यूचर में माइट बी पॉसिबल आज से 100 ईयर्स बाद लोग जो है ना जैसे जमीन पे है इसी तरह मरीज के ऊपर भी जो है वो जा सकेंगे और वहां पे जो एज ए सोसाइटी के तौर पर रह सकेंगे। तो ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, ये भी फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है ये वाली। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है हमारा वो है इंडस्ट्री से रिलेटेड कि हम इंडस्ट्री जो है स्पेशली अगर एज ए केमिस्ट है तो हम केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जॉब के हवाले से, अगर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जॉब के हवाले से अगर हम बात करेंगे अगर वहां पे जॉब्स हैं तो वो जॉब्स के बारे में लोगों को अवेयर करें कि किस किस्म की इंडस्ट्री जो है वो एज ए केमिस्ट अगर मैं हूं तो मैं बताऊं कि किस किस्म की इंडस्ट्री जो है वो किस किस्म के केमिस्ट को रखती है। फॉर एग्जाम्पल से मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर लेबोरेटरीज का होना बड़ा जरूरी होता है, तो वहां पे कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो केमिस्ट्री का वो काम कर सकता है। अगर वो वहां पे काम करता है, वो उनके एनालिसिस करता है, वहां पे उसके मुख्तलिफ जो है फिनिशिंग प्रोडक्ट आता है, कोई भी उसमें सॉफ्टनिंग एजेंट्स होते हैं, थिकनर्स होते हैं, डाइज होती हैं, पिगमेंट होते हैं, उनके वो एनालिसिस करता है, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे दें, हम लोगों को बताएं, अवेयर करें, ठीक है, अगर हम उनको ये अवेयर करें, ये कम्युनिटी की बड़ी है कि वो उनको वो जॉब मिलेगी, उस इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी, उस इंडस्ट्री के जॉब मिलने से उनके हालात जो है ना वो बेहतर होंगे। जब उनके हालात बेहतर होंगे, मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे, कम्युनिटी सर्विस बहुत बेहतर, तो उनके हालात बेहतर होंगे, सोसाइटी जो है ना वो पीसफुल हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर किसी को कहा जाए कि आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में चले जाएं, एग्रीकल्चर की है, पेस्टिसाइड्स है वहां पे, उसके एनालिसिस है, अब हम लोगों को बताएं एनालिसिस के बारे में, बताएं कौन कौन से एनालिसिस हम कर सकते हैं, हमें GCMS आना चाहिए, MHPLC आनी चाहिए, ठीक है, हमें इसी तरह टाइटेशंस आनी चाहिए ताकि वो हम उनको अवेयर कर सकें एज ए केमिस्ट के ये काम आप करें तो आपको इंडस्ट्री के लिए। इसी तरह पॉलीमर है, उर्मिल इंडस्ट्री के अंदर मोनोमर आते हैं, उसके साथ सेंसिस करके आगे बनता है, अगर उसकी पॉलीमर्स की ट्रेनिंग कराई जाए, उनको बताया जाए कि ये पॉलीमर कैसे बनाए जा सकते हैं, मोनोमर का क्या रोल होता है, कौन से पॉलीमर जो है वो इंडस्ट्री ज्यादा यूज करके नए नए प्रोडक्ट बना रही है या प्लास्टिक्स बना रही है, तो वो भी एक कम्युनिटी सर्विस के तौर पर है कि हम एज उनको अवेयर करें कि ये इंडस्ट्री के लिए आप ये काम करें, क्योंकि इसमें हमारी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। मैं एज ए मेरा 13 ईयर्स एक्सपीरियंस है इन यूनिवर्सिटी, तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकल्स लाइफ से भागता है, प्रैक्टिकल्स नहीं करता, वो जस्ट ओनली फॉर कमिंग यूनिवर्सिटी एंड गेट अ डिग्री, बस वो कहता मुझे यूनिवर्सिटी आना है और डिग्री लेनी है और मुझे चले जाना है। स्पेशली मैं रिसर्च में भी देख रहा हूँ और इसके अंदर जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ वगैरह, मुझे कागज़ का टुकड़ा चाहिए और बस, और मुझे नॉलेज नहीं चाहिए। अब उसका क्या नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री जो है वो बैठ रही है, जब किसी कंट्री की इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन बैठ जाती है तो पूरी सोसाइटी पूरी कम्युनिटी का जो है ना वो बुरा हाल होना शुरू हो जाता है। हमारे सामने है, तो एक दिन ये पूरा मैं डाटा देख रहा था जिसके अंदर पाकिस्तान में केमिकल इंडस्ट्री के हवाले से जीरो आउटपुट थी, जीरो आउटपुट। पाकिस्तान में 2 या 4 यूनिट हैं केमिकल इंडस्ट्री के, लेकिन आई थिंक मैं उसको केमिकल इंडस्ट्री मानता हूँ जो सिर्फ आजकल से सिवाय सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के कुछ काम नहीं कर रही। और इसी तरह हम, और इतना दुख और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा हम ये कहेंगे डाइज और पिगमेंट को यूज करते हैं वो इंडिया से आ रहा है, 70% इंडिया से जो केमिकल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है स्पेशली डाइज एंड पिगमेंट्स वो आ रहे हैं, और पूरी दुनिया का 70% डाइज की सिंथेसिस जो होती है वो इंडिया में हो रही है। और ये कितने बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे केमिस्ट उड़दड़ हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लग रही, लोग इंडस्ट्री में जाना नहीं चाह रहे, अपनी इंडस्ट्री छोटा सेटअप तैयार करना नहीं चाह रहे। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो अनसेचुएशन है वो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर है, और पूरी दुनिया के अंदर 2-3 कंट्री ऐसे हैं जिसकी पूरी की पूरी, बल्कि 4 अब हो चुके हैं कि पूरी की पूरी जो बेस है इकॉनमी की वो 2 ही चीजों पर खड़ी है, वो जापान
जर्मनी, अमेरिका और चाइना, इन तमाम की तमाम इकोनॉमी दो चीजों पर खड़ी है, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब केमिकल्स में तमाम फार्मास्यूटिकल, तमाम पॉलीमर्स, तमाम प्लास्टिक इंडस्ट्री, तमाम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तमाम आपकी डिजिटल चीजें, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी आजकल की इलेक्ट्रिक कारें, आपका ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, आपकी हैवी इंडस्ट्री, सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है। तो आप देख सकते हैं कि जापान के अंदर अब कितना ज्यादा है, इतने ज्यादा वहां पर आते हैं, उसके बावजूद उनकी इकॉनमी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इन दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है और बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। चाइना में अब चौथा कंट्री चाइना है, दुनिया का सबसे ज्यादा इस वक्त फार्मास्यूटिकल का इंटरमीडिएट बनाने वाला सबसे बड़ा इस वक्त चाइना है, जो तो पूरी दुनिया के आज चाहे पूरी दुनिया की मेडिसिन को वो रोक सकता है। तो ये हमारी डेफिशिएंसी है, इसके ऊपर लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि वो छोटा छोटा काम करें, छोटे छोटे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसमें बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं है, और वुमेन सेक्टर में भी चाहिए कि वो नई इंडस्ट्री छोटी छोटी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी इंडस्ट्री जिसमें हम छोटे छोटे कलर बनाए, डाई बनाए, छोटे इंटरमीडिएट बनाए। अनफॉर्चुनेटली अभी तो ये हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान में एस्प्रिन भी नहीं बन रही, उसके अंदर भी पीछे एक बहुत बड़े माफिया होते हैं जो रॉ मटेरियल को ब्लॉक करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर वो उसको आने देते हैं और रॉ मटेरियल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाते हैं ताकि पाकिस्तान जैसा कंट्री फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश ना करे, ताकि हमारी इंडस्ट्री चलती रहे। तो ये भी एक हमें आवाज उठाने की जरूरत है, आगे तक बताने की जरूरत है कि हमें रॉ मटेरियल आना चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट पाकिस्तान में ही बनने चाहिए, ताकि इंडस्ट्री फ्लोरिश हो, लोगों को रोजगार मिले। जब रोजगार मिलेगा तो आपकी सोशल चीजें जब बेहतर होती जाएंगी, सॉरी इकॉनमी आपकी बेहतर होती जाएगी, तो सोसाइटी भी आपकी बेहतर, आपकी कम्युनिटी जो है ना वो बेहतर होती जाएगी। तो ये एज ए केमिस्ट हमें ये भी एक इन चीजों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। जब हम एज ए केमिस्ट हैं तो हमें इन लोगों को बताना चाहिए, ये अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को, ये बताना चाहिए। पॉइंट जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है क्योंकि बैकबोन ऑफ पाकिस्तान है हम देखते हैं। तो अब सारा सारा एग्रीकल्चर जो है हमारा, ये हमारा विलेज एरिया में है, रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर है, इसके अंदर हम वहाँ अवेयरनेस एज ए केमिस्ट दे सकते हैं। हम उनको खादों के बारे में बता सकते हैं, फर्टिलाइजर के बारे में बता सकते हैं, जिस हम बता सकते हैं कि ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम कितनी क्वांटिटी में यूज करवा सकते हैं, हम उसको लिटरेचर से देख दे के हम उनको बता सकते हैं। ऑर्गेनिक नामियाती खादें जो है स्पेशली ऑर्गेनिक, वो उनको बनाना बता सकते हैं, ठीक है, कि वो गोबर से हम कैसे उनको बना सकते हैं। इसके अलावा और प्लांट्स वेस्ट को हम यूज करके उसको बता सकते हैं। इसके अलावा हम एनिमल का वेस्ट जो है उससे हम फर्टिलाइजर को डेवलप करके हम बता सकते हैं। इसके अलावा हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि जमीन का एनालिसिस जो है, वाटर का एनालिसिस जो है कि ये पानी आपके लिए ठीक है कि नहीं, ये भी हम उनके अंदर अवेयरनेस जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम उनको सबसे बड़ी बात है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक जो है क्रॉप के बारे में या वेजिटेबल के बारे में बता सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल को ग्रो करें, ठीक है, और वो कौन सी होती है ऑर्गेनिक वेजिटेबल जिसको हम कोई भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर यूज नहीं करते उसके अंदर, तो हम उनको जो है ना वो बाई नेचुरली जो है ना उसको कोई ऐसी खाद या ऐसी फर्टिलाइजर या ऐसा पेस्टिसाइड उसके ऊपर नहीं करते, तो उससे क्या हो सकता है कि वो बहुत जो है ना वो उसका रेट मार्केट में ज्यादा मिलेगा। आजकल हम देखते हैं कि इसका ट्रेंड यूरोप अमेरिका में बहुत ज्यादा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, तो इनका भी इसके ऊपर अवेयरनेस जो है ना हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड सारी की सारी ऑर्गेनिक के क्लोरोटाइप्स कंपाउंड होते हैं, ये ज्यादातर क्लोरोटाइप्स कंपाउंड होते हैं, तो ये भी एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट हम उसको देख कर बता सकते हैं कि इनको वो ज्यादा जो है ना वो यूज ना किया जा सके, ताकि ये इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब ना करे, इन्वायरमेंट को खराब ना करे, वाटर को पोल्यूट ना करे। तो ये भी हम लोगों को जो है ना अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों को जो है ना वो पर्सनली मिल के लोगों को हम बता सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस हम प्रोवाइड कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। ये तो 5 पॉइंट हो गए। अब हम आते हैं अपनी लैब की तरफ, हमारी लैब में भी कुछ हम काम कर रहे हैं, हमारी लैब में मोस्टली जो स्टूडेंट है वो रिसर्च का काम उस फील्ड का कर रहे हैं, कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि
मुख्तलिफ हाइड्रोसाइकल्स मालिकूल हैं उनको थोड़ा सा डायनामिटाइज किया जाए, उनके अंदर चेंजिंग की जाए और उनको चेक किया जाए, डिफरेंट डिजीज फॉर एग्जाम्पल एंटी बैक्टेरियल है या कोई और डिजीज है तो उनके अगेंस्ट चेक कर लिया जाए, तो माइट बी पॉसिबल फ्यूचर में वो चीजें जो है वो जो है ना एज ए मेडिसिन के तौर पर यूज हो सकें। यहाँ कम से कम इतना जरूर है कि वो जो स्टूडेंट है वो ट्रेंड हो जाएंगे और वो ट्रेनिंग के बाद कहीं भी जाएंगे तो वो वहां पे सर्व करेंगे, जब सर्व करेंगे तो डेफिनेटली वो सोसाइटी के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बेटर काम करेंगे। इसके अलावा और भी हम ये काम कर रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि वाटर जो है आरओ प्लांट जो है इनकी जो है क्लीनिंग के लिए भी हम एक काम कर रहे हैं कि वो उनको क्लीन करने के लिए मटीरियल बनाए जाए ताकि वो मोस्टली ये जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं जिससे मेम्ब्रेन डैमेज होती है, तो हम मटीरियल यूज कर कुछ ऐसे बना रहे हैं ऑर्गेनिक के वो मेम्ब्रेन जो डैमेज ना हो, वो भी एक कम्युनिटी सर्विसेज है और वो हम जो है वो किसी अनपेड है, वो हम किसी से पे उसकी पेमेंट नहीं लेते, वो हम वैसे ही लोगों को बता रहे हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इसी तरह कोई ऐसे प्रोडक्ट जो कि अभी तक पाकिस्तान में उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया वो हम करके उसको पब्लिश कर रहे हैं डाटा को, ताकि वो डाटा जब पब्लिश हो और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीकल्चर की फील्ड के लोग जो है वो उस डाटा को देखें और देखने के बाद उसको यूज करें। तो उसके अंदर भी हमने बहुत सारे एनवायरमेंट साइंस के साथ मिलकर कुछ थोड़ा सा काम किया जिसके अंदर हमने लाइसिन को यूज किया, लाइसिन अमीनो एसिड है तो हम लाइसिन को जिंक के साथ चिलेट करके तो हमने मुख्तलिफ उसके कॉम्प्लेक्सेशन करके उसके चिलेशन करके प्लांट्स को दी जिससे प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, तो हमने ईडीटी की जगह लाइसिन को यूज किया। लाइसिन इज अमीनो एसिड, नाइट्रोजन भी है उसके अंदर और जिंक लाइसिन के साथ मिलकर उसकी प्लांट इनटेक ज्यादा हो जाता है तो प्लांट को अमीनो एसिड की फॉर्म में मिलती है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है और जिंक भी मिल जाता है। अगर हम ईडीटीए देते हैं तो ईडीटीए जो है ना वो ज्यादा देने से वो बेटर नहीं है क्रॉप के ऊपर, अगर हम उसका स्प्रे भी करेंगे, अगर हम उसको जमीन में भी देंगे तो ड्रेन भी करेंगे तो वो बेटर नहीं है। ये भी हमने काम करके पब्लिश किया कुछ पेपर्स डेटा रिसर्च आर्टिकल ताकि उससे भी कोई कम्युनिटी सर्विस है कि वो लोग उसको देख उस डेटा को तो वो इंडस्ट्री को देख सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन देख सकती है तो उसको यूज कर सकती है। ये थी हमारी कम्युनिटी सर्विसेज है। ये एज ए केमिस्ट आज हमने डिस्कस किया कि कम्युनिटी सर्विसेज या सामाजिक खदमात जो हैं वो एज ए केमिस्ट हम क्या कर सकते हैं, हम क्या दे रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा और भी हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जो अभी तक हमने वो यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सका और हम कर सकते हैं उसको मज़ीद, लेकिन यहाँ